नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के शैक्षणिक संस्थान पार्ट टू। पार्ट वन में हम लोगों ने देख लिया सारे यूनिवर्सिटीज़ को, अब पार्ट टू में हम लोग देखेंगे मेडिकल कॉलेज, उसके डेंटल कॉलेज और नर्सिंग स्कूल या कॉलेज। ठीक है, ये तीन चीज़ों को हम लोग देखेंगे जो एग्ज़ाम में आता है। ठीक, पहले हम लोग शुरू करते हैं मेडिकल कॉलेज। इसमें आपको 9 याद रखना है जो गवर्नमेंट बेसिस पे है, 3 डेंटल कॉलेज है और नर्सिंग के भी 9 इंस्टीट्यूशंस हैं, तो ये याद रखना आपको ज़रूरी है। चलिए मेडिकल कॉलेज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहले हम लोग पढ़ते हैं पहला जो मेडिकल कोई भी इंस्टीट्यूशन है झारखंड का, दैट इज 1918 ईस्वी में बना सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री, इसको कौन नहीं जानता, कांके। ठीक है, कांके रांची और झारखंड में जरूरी भी था, ये पागलखाना जिसको बोलते हैं कांके में है। लेकिन ये कब, 1918 ईस्वी में, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये याद रखना है। सबसे पुराना अगर मेडिकल इंस्टीट्यूशन कोई भी है झारखंड में, दैट इज केंद्रीय मनोचिकित्सा केंद्र। ठीक है, केंद्रीय मनोचिकित्सा केंद्र कांके, इस ये अभी नाम है इसका, पहले इसका क्या नाम था ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका पुराना नाम क्या था। ठीक है, इसका पुराना नाम था रांची यूरोपियन लुनाटिक एसिलम। लुनाटिक मतलब पागल का सराय, एसिलम मतलब जहाँ पे रखा जाता है, रांची यूरोपियन लुनाटिक एसिलम 1918 में बना था। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका। ठीक है, अब दूसरा मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे देखिए चिकित्सा भी होता है, ये सिर्फ इसमें ये मत सोचिए कि इसमें मेडिकेशन होता है, इसमें चिकित्सा भी होता है और पढ़ाई भी होता है। हम लोग शैक्षणिक संस्थान पढ़ रहे हैं ना, अगर यहाँ पढ़ाई भी होता है, अगर पढ़ाई नहीं होता तो ये हॉस्पिटल कहलाता, ये दोनों है, हॉस्पिटल भी है प्लस यहाँ लड़के पढ़ के डॉक्टर भी बनते हैं, यहाँ पे डॉक्टर भी बनाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा आपको याद रखेगा एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज भी है और यहाँ पे चिकित्सा भी होता है, जमशेदपुर। जहाँ मेडिकल कॉलेजेस, हर जगह हॉस्पिटल रहेगा तब ना पेशेंट आएगा, तब ना डॉक्टर सीखेगा, स्टूडेंट सीखेगा, तो कॉलेज भी होता है। एमजीएम देख कितना सुंदर नाम, महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसका फाउंडेशन 1961 में हुआ। ठीक है, अब देखिए ये पहले क्या था, प्राइवेट इंस्टीट्यूट था। ठीक है, इसको बदल के, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट था, इसको बदल के गवर्नमेंट किया गया। ठीक है, गवर्नमेंट जब किया गया तो इसको रांची यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट मिलता था, रांची यूनिवर्सिटी से। ठीक है, कोई यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट दे सकता है स्टूडेंट को, या फिर एक एमसीआई होता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से डायरेक्ट कोई सर्टिफिकेट देता है डॉक्टर का। ठीक है, जहाँ कहीं कहीं होता है कि किसी यूनिवर्सिटी कराता है और यूनिवर्सिटी को एप्लीकेट ये करता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कुछ यूनिवर्सिटियों को अधिकार दे के रखा है कि तुम मेरे बिहाफ में सर्टिफिकेट दे सकते हो, ये आज जिसको नहीं दिया है वो डायरेक्ट सर्टिफिकेट यहाँ से मिलता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली में है। ठीक है, तो इसका सर्टिफिकेट रांची यूनिवर्सिटी से मिलता था, लेकिन रांची यूनिवर्सिटी कट के देखिए जमशेदपुर में, उस एरिया में कोल्हान यूनिवर्सिटी जब से बन गया, तो अब रांची यूनिवर्सिटी नहीं देता है एमजीएम को सर्टिफिकेट, एमजीएम के स्टूडेंट को कोल्हान यूनिवर्सिटी देता है। क्लियर, दो मेडिकल कॉलेज हो गया। तीसरा है पीएमसीएच, फुल फॉर्म है पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, पाटलिपुत्रा
मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ठीक है। पीएमसीएच, पीएमसीएच कहाँ है? धनबाद में। धनबाद पहले, ये धनबाद में नहीं हुआ करता था, ये पहले पटना में हुआ करता था, ठीक है, पटना के अशोक रोड में हुआ करता था। बाद में इधर मेडिकल की समस्या झारखंड में होते रहा, बहुत ज़्यादा बड़ी थी, उसको टैकल करने के लिए पीएमसीएच को धनबाद में लाया गया और यहाँ के लोकल हॉस्पिटल ये सब को इसके साथ अटैच कर दिया गया था। बहुत सारे आसपास में हॉस्पिटल थे, तो पीएमसीएच अभी धनबाद में है। पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, पाटलिपुत्रा अब नाम इसलिए रह गया क्योंकि पहले पाटलिपुत्र में ही थे, पटना में ही था ये, उसी समय इसका स्थापना हुआ था। ये 1971 में, दोस्तों देखिए 61 71, ये 1918 तो आपको याद रखना ही रखना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सर्टिफिकेट कौन देता है? इसका सर्टिफिकेट देता है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसके स्टूडेंट को विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, ठीक है, क्योंकि धनबाद उस समय विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंदर ही आता था। अभी क्या है, अभी धनबाद में नया यूनिवर्सिटी बन गया है, विनोबा भावे काट के एक नया यूनिवर्सिटी बना दिया गया है, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद। अभी हुआ नहीं है, कुछ दिन के बाद ये पीएमसीएच का सर्टिफिकेट विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी देगा, ठीक है, लेकिन अभी हुआ नहीं है इसलिए आपको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। चौथा है रिम्स, चौथा है रिम्स, रिम्स का अब नाम सुनते हैं, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है। इसको कहीं कहीं देखिए रांची इंस्टीट्यूट कह देता है, रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, ये राजेंद्र प्रसाद के नाम, उस अविभाजित मतलब भारत का पहला प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद के नाम पे रखा गया है और ये बिहार से था, उस समय तो बिहार ही था, 1900 जब बना था ये, तब ये रिम्स जब फाउंडेशन हुआ था तो बिहार ही था, लेकिन ये अभी जब फाउंडेशन हुआ था तब इसका नाम रिम्स नहीं था, ठीक है, फाउंडेशन जब हुआ था तब इसका नाम था RMCH, ठीक है, RMCH, रांची मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, रांची मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नाम था पहले, यही RMCH पहले हॉस्पिटल था, ये कुछ नहीं था, ये वहाँ पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होता था, सिर्फ हॉस्पिटल था RMCH रांची, उसी को जब कॉलेज में तब्दील करने 2002 में RMCH को ही बदल के रिम्स कर दिया गया 2002 में, क्लियर। तो रिम्स का फुल फॉर्म राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, कहीं कहीं रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भी लिखा हुआ है, तो रिम्स का वही मीनिंग है। चलिए चार कॉलेज हो गए, पांचवा कॉलेज आपको याद रखना है, जो जिसको कहते हैं सदर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स, सदर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल ये कहाँ पे है, ये 2011 में बनाया गया, ये रांची में है ये भी। ये देखिए क्यों बनाया गया था, सदर मेडिकल जब झारखंड अलग हो गया था तो सब लोग पटना ही जाते थे, उसकी राजधानी ही ज़्यादा होती है किसी के मेडिकल का सेंटर पॉइंट, तो हमारे यहाँ अचानक राजधानी बना है तो परेशानी हो रहा था, इसीलिए तुरंत उस चीज़ को कवर करने के लिए घोषणा किया गया कि एक बड़ा सा हॉस्पिटल बनाया जाए और प्लस वहाँ से बाद में स्टूडेंट को पढ़ाई भी शुरू कर दी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन MBBS MD ये सब का सर्टिफिकेट देने लगा। तो ये पाँच जो है आपको टाइम याद रखने में थोड़ी मुश्किल होगी, इसके बाद जो चार है उसका टाइम बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा, ये वाली 1918 जरूर याद रखें, कुछ भूल जाएं तो सही है लेकिन वो 1918 भूल जाना बहुत गलत है। ये पांच चीज़ें आप याद रखिए, डेट के साथ याद कर लीजिए, फाउंडिंग ईयर के साथ, ठीक है। इसके बाद वो चार बचा, हम उसको भी पढ़ेंगे, चार में से आपने एम्स का तो नाम सुना, चार में से जो भी बचा सब का फाउंडेशन 2019 में हुआ है, ठीक है। मेडिकल क्रांति अगर झारखंड में हो रहा है अभी तो उसका यही माना जाएगा 2019 का साल, इसमें बहुत सारे मेडिकल
सुविधाएं झारखंड में हुए, जैसे एम्स। एम्स का कार्य कब से शुरू हुआ? 2019 से। फाउंडेशन कभी भी हुआ होगा, शिलान्यास कभी हुई हुआ, लेकिन कार्य करना शुरू किया 2019 से। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है। टोटल कितना अभी क्या बोलता है, एम्स है 15 एम्स है अभी अभी कार्य कर, आज के डेट से, आज का डेट कितना है पता नहीं मुझे भी, 6 मई होगा शायद। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, टोटल कितना है इंडिया में, 15 है, नहीं टोटल इंडिया में पर हाँ अभी कार्यरत 15 है, 8 एकदम बन के तैयार है, 2025 तक काम करना शुरू कर देगा और भी बढ़ेगा, लेकिन 15 जो है अभी कार्यरत है, इतना याद रखिए, 2025 तक 15 ही रहेगा, इसलिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एम्स का जो है ये याद रखना पड़ेगा, कब इसका ये हुआ, इसका सर्टिफिकेट कौन देता है, डायरेक्ट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया देता है, ठीक है। इसका जो आदर्श वाक्य है वो याद रखना पड़ेगा, आरोग्यम परम सुखम, आरोग्यम परम सुखम, ठीक है। किसी आदमी को उपचार करना बहुत ही सुख देता है, ये लोगो है हमारे एम्स देवघर का, ठीक है। एम्स कहाँ है, देवघर में, कब से फंक्शन करना शुरू किया, 2019 में, ये चिकित्सा भी करेगा और अभी 50 स्टूडेंट को लिया भी है, उसको पढ़ा भी रहा है, तो ये कॉलेज भी हो गया, मेडिकल कॉलेज भी हो गया, तो जितना हम लोग पढ़ रहे हैं मेडिकल कॉलेज पढ़ रहे हैं, ठीक है। एम्स का हो गया, उसके बाद क्या क्या बना, दुमका मेडिकल कॉलेज, दुमका मेडिकल कॉलेज, दुमका में मेडिकल कॉलेज अभी जो है वो बच्चे को पढ़ा रहा है, कॉलेज खुल गया है, वहाँ मेडिकल की पढ़ाई हो रही है, कब, 2019, इसमें कोई ये कन्फ्यूजन ना रखिए। उसके बाद है पलामू मेडिकल कॉलेज, पलामू मेडिकल कॉलेज कहाँ होगा, इसमें सोचना ही नहीं है, मेदिनी नगर में, मेदिनी नगर, कब, 2019 से, ठीक है। और एक बच गया, हजारीबाग मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ठीक है, हजारीबाग मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कहाँ होगा, हजारीबाग में होगा, कब बनेगा, 2019 में बनेगा। अब देखिए ये स्टेट लेवल का, स्टेट अपने दम पे बनाया है, ठीक है, तो सर्टिफिकेट स्टेट का यूनिवर्सिटी ही देगा, इसका कौन एफिलिएशन दे रहा है, SK यूनिवर्सिटी, इसका कौन, पलामू मेडिकल कॉलेज का, पलामू में कौन सा यूनिवर्सिटी है, नीलाम्बर पीताम्बर यूनिवर्सिटी। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज एंड साइंस का कौन देगा, हजारीबाग में कौन है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, तो ठीक है, ये तीनों को देता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इसी ने तीनों को ऑथराइज किया है, भाई तू दे सकता है, तुम्हारा है हिम्मत तो दे, तुमको मैं बता रहा हूँ, तो चलाओ अपने लोकल लेवल पे, तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अप्रूव किया है इन लोगों को देने के लिए, तो ये स्टेट लेवल का, स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, तो स्टेट गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी दे रहे हैं सर्टिफिकेट, तो ये सब सारे आपको याद रखना पड़ेगा। 9 अभी वर्तमान में सिर्फ 9 ही मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, और कॉलेज और हॉस्पिटल साथ में रहता है, उसमें कन्फ्यूज मत कीजिए, हॉस्पिटल नहीं रहेगा तो बच्चा सीखेगा कहाँ पे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं डेंटल कॉलेज, 3 डेंटल कॉलेज, ठीक है, अभी हाल फिलहाल डेंटल कॉलेज बनाने तो था ही नहीं झारखंड में, डेंटल कॉलेज, ठीक है, 3 डेंटल कॉलेज, एक वनांचल, ठीक है, वनांचल डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ठीक है, ये है पहला ये हमारा, ठीक है, कहाँ है ये, गरवा याद रखिए। दूसरा है हजारीबाग
हजारीबाग डेंटल, हजारीबाग कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल, हॉस्पिटल कहाँ है? हजारीबाग में, ठीक है। सिर्फ कहाँ कहाँ डेंटल कॉलेज है ये सब याद रखने से भी आपका हो जाएगा काम, ठीक है। अवध डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, हॉस्पिटल कहाँ है? अवध जमशेदपुर में, जमशेदपुर। ये तीन आपको डेंटल कॉलेज याद रखना पड़ेगा, क्लियर। अब हम लोग पढ़ते हैं नर्सिंग ट्रेनिंग कहाँ कहाँ होता है, नर्सिंग ट्रेनिंग, ठीक है। नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर 9 है झारखंड में, सेंटर 9 है, 9 है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं, देखिए, एक स्कूल ऑफ नर्सिंग, स्कूल ऑफ नर्सिंग बोकारो, बोकारो, ठीक है। ये जनरल हॉस्पिटल के साथ अटैच है, बोकारो जनरल हॉस्पिटल जो है ना, बोकारो जनरल हॉस्पिटल के साथ अटैच है ये, क्लियर। दूसरा है स्कूल ऑफ नर्सिंग जमशेदपुर, जमशेदपुर ये जो है टाटा मेन हॉस्पिटल है उसके साथ अटैच है, टाटा मेन हॉस्पिटल के साथ, ठीक है। अगला है कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है। देखिए ये स्कूल ऑफ नर्सिंग है, ये जो नर्सिंग का छोटे लेवल का जो सर्टिफिकेट होता है वो देता है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग मैंने उसको ब्रॉडर स्टडी के लिए। कॉलेज ऑफ नर्सिंग है कहाँ? धनबाद सेंट्रल, धनबाद सेंट्रल हॉस्पिटल के साथ ये हॉस्पिटल के साथ, ठीक है। चौथा हो गया कॉलेज ऑफ नर्सिंग, हो गया धनबाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग, देखिए कॉलेज ऑफ नर्सिंग धनबाद है, एक धनबाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग ये अशरफी हॉस्पिटल, अशरफ हॉस्पिटल के साथ अटैच, ठीक है। धनबाद में, धनबाद कॉलेज ऑफ धनबाद में, देखिए कॉलेज ऑफ नर्सिंग धनबाद और धनबाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग दो अलग अलग इंटिटी है दोनों, ठीक है। फ्लोरेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग पांचवा, फ्लोरेंस, फ्लोरेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग, देखिए फादर ऑफ, देखिए मदर, फ्लोरेंस किसके नाम से लिया गया है ये, फ्लोरेंस, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की एक नाम सुने होंगे ना, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक फेमस नर्स थी, नाइटिंगेल फेमस नर्स थी, उसी को, उसी ने इतने सेवा किया था कि उसके वजह से क्या बोलता है उसको नर्सिंग का माता माना जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है उसको हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि उसकी कौन थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी, तो वो पेशे से नर्स थी, बहुत फेमस है, बहुत से सैनिकों का लड़ाई में जो सैनिक घायल हो गए थे उसका बहुत सेवा किया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल, तो ये बहुत हाईलाइट हुई थी, नर्स थी ये, तो उसी के नाम से फ्लोरेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग उसी नाम से होगा, मैं कन्फर्म नहीं बोलता रहा हूँ, जबकि ये नाम आया तो 100% मुझे लग रहा है कि फ्लोरेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग इसी के नाम पे होगा। फ्लोरेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग आपसे पूछेगा तो कहाँ बताइएगा, इरबा, इरबा रांची में है ये, ठीक है। चलिए और पांच हो गए और चार हमें पढ़ना है, फ्लोरेंस हो गया, उसके बाद हो गया ट्राइबल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ट्राइबल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग पूछेगा कहाँ है, दैट इज इन नामकुम, नामकुम रांची। और दो
देखिए रांची में ये भी है, ये भी है रांची में है, ठीक है, दो रांची से निकल के आ गया। अब आ गया सैड बर्नाबस, नहीं एक क्या था मेटास एडवेंटिस, मे टास एडवेंटिस्ट कॉलेज, पूछेगा ये कौन है, कहाँ है मेटास एडवेंटिस कॉलेज, तो आपको बताना है कि ये भी रांची में है। रांची, रांची में एक फेमस हॉस्पिटल है सेवन डे ऑफ एडवेंटिस, सेवन डे एडवेंटिस हॉस्पिटल, सेवन डे एडवेंटिस्ट हॉस्पिटल, उसी के साथ ये अटैच है रांची में। 5 2 7 हो गया, 8 हो गया सेंट बर्न, सेंट इसका क्या था सेंट बरनबस, बरनबस स्कूल ऑफ नर्सिंग, सेंट बरनबस नर्सिंग हॉस्पिटल, नर्सिंग कॉलेज, सेंट बरनबस नर्सिंग कॉलेज कहाँ है, ये क्वेश्चन आएगा, तो आप बताइएगा, ये भी रांची में। 5 2 7 8वां, महादेवी बिरला इंस्टीट्यूट, महादेवी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कहाँ है, ये रांची में, हो गया 8। और 8 से ज़्यादा हो गया लगता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, ये देखिए 7 के बाद ये 8 होना चाहिए, ये 9 होना चाहिए, तो सारे नर्सिंग आज आपका कंप्लीट हो गया, जितना भी नर्सिंग कॉलेजेस है, डेंटल कॉलेजेस है, प्लस मेडिकल कॉलेज, इसमें कुछ नहीं याद रखना, दो देखिए धनबाद में है, ये दो धनबाद में है, एक कॉलेज ऑफ नर्सिंग और धनबाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है, स्कूल ऑफ नर्सिंग बोकारो में है और स्कूल ऑफ नर्सिंग जमशेदपुर में है, ये एक साथ याद कर लिए, ये दोनों एक साथ याद करिए, फ्लोरेंस वाला याद कर लिए रांची में, बाकी तो सारे रांची में ही, ट्राइबल कॉलेज ऑफ नर्सिंग नामकुम रांची, मेटास एडवेंटिस वहीं रांची, सेंट बरनबास नर्सिंग कॉलेज रांची, और महादेवी बिरला इंस्टीट्यूट नर्सिंग रांची, ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।